हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं मेरा कुछ ब्लॉग बहुत बड़ा नहीं है, बस छोटू सा है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ करवा चौथ में। ज्वेलरी, सबसे पहले बात मैं करती हूँ ज्वेलरी की, उसके बाद कपड़े की। तो मैं पहनने वाली हूँ ज्वेलरी में, मैंने मंगाया है क्या, सोचो क्या मंगाया है। तो मैं पहनने वाली हूँ, मैं बता देती हूँ, मैंने मंगाया है ज्वेलरी कुछ इस तरीके से, जो साउथ के लोग बहुत ज़्यादा इसको पहनते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, मुझे बहुत पसंद था साउथ की कोई भी ज्वेलरी, झुमकी वगैरह देखते ही आप लोग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने मंगाया था अमेजोन से, ठीक। तो ये मैंने अमेजोन से मंगाया था और ये देखिए आपका, ये है फर्स्ट, जो कि इतना खूबसूरत है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना खूबसूरत है ये, क्या मैं बताऊँ। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। तो इस बार तो आप लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि मैंने खुद ही बहुत पहले ऑर्डर कर रखा था कि मैं आप लोग को पहले दिखाऊँगी, जिससे आप लोग को भी आइडिया मिल सके और आप लोग भी मंगा सको, बट नहीं हो पाया। तो मैं अभी, मेरा अभी दो दिन पहले आया है, तो मैं सोची थी आप लोग को दिखाऊंगी, बट मेरे पास टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ढोलक का मुझे वीडियो शूट करना था, इसलिए। अब बताओ आप लोग कैसा लग रहा है। तो ये हमारा है कुछ छोटा सा, जो ये गले में चिपकू वाला होता है, जो मतलब चिपका रहता वो है। उसके बाद मेरा जो सेकेंड वाला है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है, आप इसे ना अगर इसे दुल्हन भी पहन सकती हैं, इतना खूबसूरत है। तो आप ये जो मेरा सेकंड है, जो यहाँ तक आता है, मुझे पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, बट तो ये आपका सेकंड है, जो कि मैं बता नहीं सकती, सच में बहुत खूबसूरत है। इसको थोड़ा रखने में प्रॉब्लम होता है, फंस गया, निकल नहीं रहा। कभी कभी होता ना रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अगर आप अच्छे से ना रखो तो नहीं पता चलता। ये आपका है, जिसको आप लोग, हाँ मुझे पता है, थोड़ा सा मुझे पता चल रहा है क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लक्ष्मी हार शायद, इसको सिंगल पीस को शायद ऐसे कुछ बोलते हैं, क्योंकि एक बार मैंने सुना था किसी से। तो ये भी आपका हो गया। तो ये सब मैं पहनने वाली हूँ करवा चौथ में, जो कि ये देखो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि कैसा लगा, सब लोग ज़रूर बताएगा कमेंट करके कि कैसा लग रहा। तो मेरा लुक तो फाइनली आपको करवा चौथ में देखने को मिलेगा। तो ये हो गया, उसके बाद आपका इसमें का बिंदिया भी हो गया, मतलब सारे सब कुछ सेट है पूरा, बहुत बढ़िया सा है। आप लोग इसे करवा चौथ में बहुत अच्छे से पहन सकते हो, अगर इस बार तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप लोग ज़रूर मंगाइए इसे, और बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो ये आपका बिंदिया हो गया, अभी मेरा सर ऐसे ही है क्योंकि बाल बहुत सिल्की, तो ये टिकेगा नहीं, ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो मतलब आपको पता चल गया ना, ये देखिए आपका बिंदिया, जैसे सेम सब कुछ वैसे ही ये आपके लगे हुए घुंघरू नीचे, जो भी बोल सकते हो। तो ये झुमकी है, ये देखिए ये झुमकी है, ऐसे ही दोनों हैं, मतलब यही बहुत अच्छा है। अगर आप बड़ा डालना चाहते हो, तो अगर आपके पास बड़ा झुमकी है तो आप वो भी डाल सकते हो, इस कलर में तो सबके पास होते हैं आजकल। उसके बाद आ जाते हैं जो है फाइनली, जो कि मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है आपका करधन। आप देखो कितना खूबसूरत करधन है, इतना चौड़ा करधन देखो, मतलब आप एकदम सच में करवा चौथ में दुल्हन लगने वाले हो, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये हो गया हमारा करधन, और ये हो गया हमारा दोनों हार, जो कि बहुत खूबसूरत है। आप कमेंट करके आप लोग जरूर बताएगा कि अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। तो बस यही मुझे दिखाना था, और मैं बता दूं अभी तो मेरा जो मैं पहनूंगी
वो मेरे पास नहीं है, आप लोगों को पता है, ये घर पे है वो, तो मैं बता देती हूँ, मैं पहनूंगी अपने शादी का जोड़ा फर्स्ट बार लहंगा, ठीक। तो मैं पहनने वाली हूँ लहंगा, क्योंकि मुझे पहनना था, साड़ी तो पहन सकती थी, मेरे पास साड़ियाँ भी बहुत हैं, मैं पहन सकती थी, मेरे पास और लहंगे भी बहुत हैं, बट नहीं, मम्मी भी सब लोग भी बोली नहीं, फर्स्ट बार, मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी कि फर्स्ट बार है, तो आप अपनी लहंगा शादी का जोड़ा ही पहनो, उसके बाद सेकंड बार तो आपके पास बहुत ऑप्शन रहेंगे, आप कुछ भी पहन सकते हो, साड़ी पहन सकते हो आप, सेकंड कोई सा भी लहंगा पहन सकते हो। तो मुझे भी लगा चलो ठीक है, हाँ ऐसे ही करते हैं। तो मैं पहनने वाली हूँ अपना खुद का लहंगा, तो आप लोग ब्लॉग जरूर इंतजार करिएगा, बहुत ही खूबसूरत मेरा ब्लॉग आने वाला है। अब मैं रेडी कैसे होती हूँ, खुद से रेडी होती हूँ, कहीं होने जाती हूँ पार्लर में रेडी, ये भी आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को जरूर वेट करिएगा, मैं ब्लॉग टाइम पे डाल दूंगी, आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो मुझे लगा चलो ठीक है, मैं शेयर कर देती हूँ कि मैं चौथ में क्या पहनने वाली हूँ, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा। ज्वेलरी मेरे पास है तो मैं आपको ज्वेलरी दिखा देती हूँ। तो मेरी ज्वेलरी फाइनली यही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा ज्वेलरी कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब मस्त लगा, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कब करवा चौथ आए और मैं उस दिन सारी ज्वेलरी पहनूँ, रेडी हूँ, मैं कैसे लगूँगी यार मुझे खुद नहीं पता। फर्स्ट बार होता ना, एक बहुत कोई भी रहता है व्रत एक्साइटेड होता है, जैसे मैं अभी तीज थी ना, बहुत एक्साइटेड थी तीज में भी कि मैं क्या पहनूंगी, कैसे रेडी होंगी, लेकिन सच में मैं बहुत अच्छा खुद से रेडी हुई थी, लेकिन बहुत अच्छा मुझे लग रहा था। तो आप लोग जरूर बताएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ इस ज्वेलरी में, ठीक। तो मैं उस दिन रेडी होती हूँ जिस दिन मेरा करवा चौथ रहेगा, आप लोग जरूर, क्योंकि मैं शेयर कर दी इसलिए कि आप लोग जरूर देखें एक बार, आप लोग जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है। जब पहले से कमेंट आया रहेगा ना कि बहुत अच्छा लगेगा, तो वाकई में तो वो चीज़ अच्छा ही लगेगा। अगर हम कमेंट आप लोग जरूर करके बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि आप लोग को भी तो लेना है ना, तो आप लोग भी जरूर लीजिएगा इसे, बहुत ही प्यारा है, मैंने तो आपको बता ही दिया कितना खूबसूरत लग रहा। ओके, मिलती हूँ एक अच्छे ब्लॉग के साथ, बस छोटू सा मेरा ब्लॉग था, अभी मैं इसे तुरंत पब्लिक कर दूंगी, बस थोड़ी सी एडिटिंग करूंगी कि क्या मैं पहनने वाली हूँ, और उसके लहंगे का कुछ पिक वगैरह डालूंगी और ये ऐड करके मैं तुरंत आप लोग के पास पहुँचाती हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। और मैं जाने वाली हूँ ससुराल, मतलब अपने घर जाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा करवा चौथ रहेगा नहीं, मैं कोई भी फर्स्ट कट मेरा अभी जो भी मेरा कोई भी तीज व्रत था तभी मैं घर पे गई थी, और ये मेरा करवा चौथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा फर्स्ट कोई भी उठाना हो, कोई व्रत उठाना, तो मैं घर से ही करूँगी। तो मेरा करवा चौथ जो है वो भी ब्लॉग मेरा घर से ही आएगा, आप लोग को बहुत अच्छा ब्लॉग देखने के बाद मिलेगा, क्योंकि ये भी रहेंगे करवा चौथ में, तो उस बार तीज में तो नहीं था ऐसा, नहीं थे, कुछ प्रॉब्लम थी, जाने वाले थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी कि नहीं गए थे, लेकिन करवा चौथ में रहना तो ज़रूरी है। तो हम लोग कल या परसों गांव निकल रहे हैं घर के लिए, वहां पे उसके बाद आपको सारे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तो ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहिए, मैं मिलती हूँ एक अच्छे ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय, लव यू, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।